इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। जिला ढिंडोरी मध्य प्रदेश, मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो। ग्राम जाता ढिंडोरी निवासी इंद्रकाली रेदास के द्वारा ढिंडोरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 2/6/2022 को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आवेदिका का पति एवं उसके जेठ जिठानी गाड़ी की मांग करते हैं। आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए उल्लेख किया गया कि दहेज के नाम पर वह अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आई। इसी बात को लेकर उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, जिससे तंग आकर अपने मायके चली आई, जहां महिला की बच्ची को उसके ससुराल पक्ष के लोग लेकर चले गए, जिसकी शिकायत भी पीड़िता ने समनापुर थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन कोई कार्यवाही ना होते हुए पीड़िता के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महिला के ससुराल पक्ष के ऊपर कोई कार्यवाही जिम्मेदारों के द्वारा नहीं की गई। न्याय ना मिलता देख इंद्रकली अपने पिता को बिना बताए पिता के घर से कहीं चली गई। परेशान पिता अपनी बच्ची की तलाश में नाते रिश्तेदारों से संपर्क करने के बाद भी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। समनापुर थाने में जिसकी शिकायत दर्ज है, पिता के द्वारा कार्यवाही की गई है। पीड़ित पिता का कहना है कि उसे उसकी बेटी चाहिए। मध्य प्रदेश से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। नाम है दादा, कहाँ से आए हैं? मैं बच्चर गाँव का हूँ, मेरे नाम है अग्नि लाल रेदास। ये जो बच्ची का मामला, क्या मामला है पूरा? बच्ची के मामला को जेठ जेठानी बच्ची को बहुत मारते थे और उसका पति मार रहा था। मारने के कारण छाती में चढ़ बहुत मारे, तो अपने एक छोटे से बच्ची लेके मैके चले आई। मैके चले आने के बाद तीन महीना रहने के बाद उसका सास आई, सास बच्ची को चुप्पे अपने नातिन को उठा के ले गई। ले जाने के बाद फिर थाना समनपुर थाना में शिकायत की, डिंडौरी शिकायत की, नहीं सुन पाए। तब बच्ची ने किरोत वजह से कहाँ चली गई कहाँ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरे को। और फिर इसके बाद समनपुर गाड़ाश्रम में शिकायत की पुलिस का, तो वो कहे कि नहीं ठीक है, तो फोटो लाओ, कागज लाओ। तो 20 तारीख को फिर किए और भागी बच्ची 13 तारीख को। क्या चाहते हैं आप? मेरे को बच्ची चाहिए सर। तो एसपी ऑफिस और थाने में भी शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं सुनाई इतनी हुई? बच्ची सुन पाए ना, मेरे नहीं सुन पाए। आज तक ऐसे फिर रहा हूँ मैं, इधर उधर रो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, और बच्ची का माँ नहीं है। मैं अकेले बहुत इनसे सब पा रहा हूँ उसको मैं। इस तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।